हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए गुड वाइब्स का पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश का रिव्यू। आज मैं इसका फुल रिव्यू देने वाली हूँ आप लोगों को। इसकी जो क्वांटिटी है 120 ml इसकी क्वांटिटी है, और MRP की बात करें तो 195 इसकी MRP है। ये आपको Amazon, Flipkart और purple.com में भी मिल जाएगा, बट मैंने इसे परचेस purple.com से किया है। अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे purple.com से ही परचेस करें, क्योंकि पर्पल में काफी ऑफर चलते रहते हैं गुडवाइब्स के ऊपर। वैसे तो हर उसमें चलते रहते हैं, हर ब्रांड में आपको ऑफर मिलेंगे, बट गुडवाइब्स में काफी ऑफर चलते रहते हैं और ये आपको काफी कम प्राइस में मिल जाएगा। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, मेरी ऑयली स्किन है, मैं इसे लगभग काफी महीनों से 2 महीने हो गए मुझे इसे यूज किए। आप इसकी क्वांटिटी भी देख सकते हैं, लगभग फिनिश है ये, 1 से 2 बार का यूज का बचा है। तो बहुत ही अच्छा फेस वॉश लगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप कोई ऐसा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारे फेस को ब्राइट, एक शेड ब्राइट भी करे, हमको पिंपल्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए, हमारी स्किन में जो ऑयल है वो भी ऑयल भी कंट्रोल रहे, और जो एक्ने की प्रॉब्लम होती है, जो पिंपल्स हो जाते हैं हमें, जिसकी भी जो प्रॉब्लम है ऑयली स्किन वालों को, उसकी प्रॉब्लम अगर दूर करना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगी आप डेफिनेटली इसी फेस वॉश को यूज कर सकते हैं। मैं काफी महीनों से इसे यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया ये फेस वॉश। काफी थिक है, इसकी जगह टेक्स्चर की बात करूं तो काफी थिक टेक्स्चर है इसका, बहुत ज्यादा, और ना ही ज्यादा क्वांटिटी लगती है हमें कि बहुत सारा लगता है फेस को वॉश करने में, अच्छे से क्लीन करने में, और बहुत कम क्वांटिटी में आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है। आपके एक्सेस जो ऑयल होता है हमारे फेस का वो क्लीन हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो स्मूथ लगने लगेगी आपको। और अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है फेस में, कुछ हल्की फुल्की थोड़ी सी टैनिंग हो गई है, तो गो फॉर इट, ये टैनिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो अगर आपके टैनिंग की प्रॉब्लम है या आपको ऐसा लग रहा है आपका शेड जो है, आपके स्किन थोड़ी सी डल सी लग रही है, तो मैं कहूँगी आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप है, सारे स्किन टाइप वाले से यूज कर सकते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस, मेरी ऑयली स्किन है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोग को बता रही हूँ। मेरी ऑयली स्किन है तो मैंने इसे ट्राई किया है तो मुझे बेस्ट लगा। मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे, मेरे स्किन में सूट भी हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। और इसकी अगर फ्रेगनेंस की बात करूँ तो जो पपाया की जो फ्रेगनेंस होती है वैसी है, अच्छी है फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी, कोई ऐसा भी नहीं लगेगा आपको कि मैंने क्या लगा लिया, ओ माई गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा आपको। तो काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी, और आप ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट लगा मुझे ये ऑयली स्किन वालों के लिए। एंड पॉइंट, अगर आप पपाया की अगर हम बात करें तो पपाया तो हमारी स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें लिखा भी है कि विटामिन ए, सी, ई एंड के इसमें लोडेड है, इसमें मिला हुआ है इस फेस वॉश में। तो ये तो हर प्रकार के इसमें विटामिन्स मिले हुए हैं, तो ये हमारे फेस को ग्लोई बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, एक शेड लाइट करेगा आपके फेस को, एंड काफ़ी अच्छा है। तो आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, मैं बोलूंगी हाईली रिकमेंड है मेरे लिए कि आप अगर इस फेस वॉश को ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसके लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने तो इसे परचेस किया है purple.com से। तो अगर आप नॉर्मल से परचेस करना चाहते हैं तो purple.com की, मैं purple.com की भी लिंक डाल दूंगी और इसकी भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो मेरा आज का रिव्यू वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपको अगर इसे परचेस करना है तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मेरी आईडी है सुरभि ऑफिशियल सुरभि, जिसकी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट वहां से मेरे इंस्टाग्राम में जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू गाइज़।